भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अब तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पल्लवी राय। आज हम हैं बिहार के छपरा में। हम अगर बात करें शासन की, प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं लोक कल्याण का जिम्मा जो है इन्हीं के हिस्से आता है। लोक कल्याण मतलब जनता के कल्याण के लिए बनाई गई स्कीमें बहुत बनाई जाती हैं और स्कीमों का जब आंकड़ा गिनाना होता है तो वो भी बड़ी बड़ी मात्रा में गिनाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हमने जनता के कल्याण के लिए बहुत काम किए। अगर आप आंकड़े गिनेंगे तो उसके आगे इतने अंक होते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे कि कितने अंक हैं और क्या क्या हैं, लेकिन जब आप आम जमीनी हकीकत देखने आते हैं तब आपको पता ये चलता है कि जो जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। यहाँ हमें एक भैया मिले हैं जो मानसिक रूप से सही नहीं है। आप खुद सोचिए कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जनता के कल्याण के लिए काम करे। ऐसी बहुत सी स्कीमें लॉन्च की गई हैं जो ऐसे लोगों को सुविधा देती है, जो ऐसे लोगों की भलाई के लिए काम करती है, लेकिन जब हमें पता ये चलता है कि जमीनी रूप से इन सब चीज़ों पर काम नहीं हो पाया है तो सरकार पर सवाल खड़ा होता है और सीधा सवाल नीतीश कुमार पर होगा और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं या यहाँ के जो भी पार्षद हैं उन पर भी सवाल खड़ा होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी कमी आपको मैं ये भी बता दूँ कि आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, सही बात है, स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि गाँव का बुजुर्ग या गाँव का इंसान उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतना समझदार नहीं है। तो अगर आप स्कीमें बना रहे हैं तो उसे जनता तक पहुँचाइए, उसे जनता को बताइए भी कि ये स्कीमें बनी हैं, इससे आपको ये लाभ होगा। यहाँ हमें जो बाबा मिले हैं वो बता रहे हैं कि भैया मानसिक रूप से सही नहीं है लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, सरकार जितनी भी काम करती है या हमारे लिए जितने भी काम करती है उसमें सबसे पहला अधिकार जो आता है वो ऐसे लोगों पर आता है जो शारीरिक रूप से सही ना हो या मानसिक रूप से जिनमें कमी हो, उनके लिए जब कुछ काम नहीं हो पाता है तो सीधा सवाल खड़ा होता है सरकार पे। ये बताइए बाबा, आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ बनता है जिसे ना, कुछ नहीं पता? हमें कुछ मालूम नहीं है, कोई बताया भी नहीं आपको? ना ना, एक बार आदमी ने बोला कि इसको जमा कीजिए, इनका सर्टिफिकेट जो है मेडिकल का चाहे दवा वाला, तो कुछ माने हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए फिर दौड़ धूप नहीं किए, कहाँ से होगा नहीं होगा। आपकी कोई मदद करने नहीं आया कि बाबा चला हम बनवा दें? ना, कोई आदमी बोलने नहीं आया, कोई नहीं बोलने ना। अगर इनका फ्री में हो जाता है, बस पे आने जाने का मतलब पास बन जाता है या इनका दवाई के लिए बन जाता है या इनको महीने में कुछ पैसा मिलने लगता है तो इनकी भी स्थिति सुधरेगी? जरूर जरूर सुधरेगी। ऐसे तो हम अभी उनको दवाई चलाते हैं, खरीद लेकिन करके अपने लाते पैसे हैं, से चलाते अपने पैसे से। आप किसान हैं जी? हाँ, तो किसान के जीवन में ऐसे ही इतनी समस्याएं होती हैं, ऊपर से एक बोझ और अगर इसका सरकार का जिम्मा है कि वो आप इनके लिए कुछ करे, सरकार नहीं कर रही है तो इनकी दवाई का जिम्मा भी आप ही उठा रहे हैं जी, जी। तो क्या कहेंगे सरकार से? अब सरकार से हम क्या, अब यही तो कहेंगे अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। सरकारी जो आइन कानून है उसके हिसाब से अगर मिले तो बहुत अच्छा है। समझ नहीं पाते हैं बात? बात समझते हैं लेकिन मैंने कोई काम के लिए बोलिएगा तो इनको आगे सोचने का कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, मतलब आगे का नहीं सोच? अभी जो मैंने बतलाया जाएगा वो बाद में भूल जाएंगे। अच्छा, दिमाग कोई काम नहीं करता है। क्या नाम पड़ी भैया तुम्हारा? ताज। हाँ, ताज। ताज राजू, राजू राजू का नाम है? राजू राय। राजू राय भैया का नाम है? राजू राय। कितना साल का भैया? भैया 35 बरस कम से कम हो, अभी 30-35 हो गया। बाबा बताए 35, लेकिन वो पहले 2 साल बोले थे। बाबा रुका था नहीं, हम देखी, हम तू ने बोला बाबा हम देख, हमने पूछिए बाबा भैया कब स्कूले गए हवा? 35 स्कूले गए हवा कब? स्कूले स्कूल में तो रोजी नहीं जाने। हाँ, ये मैं पढ़े तो नहीं, छोड़ देता छोड़ दिलवाता। हाँ, कहीं मास्टर साहब मना करे ना? मारत रहना बड़ी यार, फूलत मारत रहना बड़ी यार, मारत रहना। अच्छा, तोरे पापा का नाम है भैया? हमारा नाम बतलाओ। का नाम है इनका? का नाम है? झकुर है। और तोरे अम्मा का नाम है? डेरान है भैया, डेरान है। अम्मा का नाम है? ये भैया डर रहे हैं। मैं मेरा किसी को भी डराने का मकसद नहीं है, मैंने उनको अब उतना नहीं है। हाँ, माँ का नाम है देवपति देवी। अच्छा, उनको उनको नाम नहीं पता है, भूल जाते भूल जाते हैं भूल जाते हैं। हाँ,
इन भैया की बात से ये साफ पता चल रहा है कि जिनको अपने माँ बाप का नाम नहीं याद है, इसका मतलब सच में उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी? अगर आपके समाज का, आपके आपके कस्बे का, आपके ज़िले का एक इंसान शारीरिक रूप से कमज़ोर है या मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी आपके कंधे पर नहीं आती? यहाँ के प्रधान चाहे पार्षद का क्या नाम हो, मुखिया के नाम हो उनका, उमा शंकर उमा शंकर जी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि उनके गांव का एक बच्चा जो है वो शारीरिक मानसिक रूप से सही नहीं है, शारीरिक रूप से सही है। काम उम कही लेना, घर का ना ही कही पाए ना, काम बना करना कर। ये तो मोटा मोटी जैसे बोझा भाई धान पीट दिए और बोझा ढो दिए और कुछ काम नहीं ना। मतलब अगर इनके कही जाए कि काबुल जला है यहाँ से उठा के यहाँ दे दता, ये कुल कही नहीं है? हाँ, उठा के सामान लेने से उन्हें कह दिए। हाँ, लेकिन आपन दिमाग लगा के काम ना, बिना कहले कुछ ना करिए, कहेगा पर तब। मतलब घर के काम अगर भारी बोझा रही तब भी उठा लिए ना, उठा पाए? भारी मतलब जितना उठावे के हुई उतना 10-12 किलो उठा लिए। मतलब शारीरिक रूप से सही बात है? हाँ, शारीरिक रूप से ठीक बात, बस दिमाग के बिल्कुल कमजोर। हाँ, उमा शंकर जी की जिम्मेदारी ये थी कि वो अपने गांव के जनता के पास जाए और पूछें कि भैया आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो इन भैया की नज़र तो आप पर पड़ी ही होगी, क्योंकि आप इस गांव के हैं तो आते जाते रहे होंगे। तो क्या आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इनका कार्ड वगैरह नहीं बना सकते थे? आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाई, आपकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, उसको भी आप नहीं निभा रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो हो सकता है गांव के लोग आपको फिर से वोट दे दें, आप जीत जाएं, लेकिन भैया ऊपर भी है कोई, ऊपर भी इंसान देख रहा है, भगवान हमें देखता रहता है। आपकी जिम्मेदारी, जो समाज ने आपको जिम्मेदारी दी है, वो आप नहीं उठा रहे। आवे ना देखे कब्बू प्रधान, यहाँ घूमे ना कि घर ही रहे? कभी कभी आते हैं। तो कब्बू बोलना ना इनके कार्ड पूछता नहीं है, पूछते नहीं है, कुछ नहीं पूछते हैं यहाँ। वोटो वोटो तू ही दे ले बाना बाबा, काहे दे ला ऐसा मन नहीं के? तो अब हमने के का जान तो नहीं जाएंगे, करबे करियो नी? अच्छा, कब ना आवे ना? ना आइबो करियो ना, वो यहां तो एकदम अपन धरराई होई हन, धरराई जई हन बाबा। कब्बू इनके बारे में जाने ना यही ना? ना कुछ ना, कुछ ना, कुछ पूछते भी नहीं है। जहां राजू कैसे हैं, कैसे नहीं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। बाबा को जानकारी नहीं थी स्कीमों के बारे में, लेकिन आप तो प्रधान थे, आपको तो पता होगा। अगर आपको भी नहीं पता था तो किसी से पूछ लिए होते कि सरकार कौन कौन सी स्कीमें चला रही है ऐसे लोगों के लिए। मेरे हिसाब से आपको जागरूकता थी, लेकिन आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाई। नैतिक जिम्मेदारी आपकी ये थी कि आप इनके पास आते, इनकी जानकारी, इनकी स्थिति जान के और सरकार जो स्कीमें चला रही हैं उस हिसाब से इनका कार्ड बनवा देते। अगर कार्ड बनवाए होते तो आपका लोक कल्याण भी हो गया होता और अगले बार आप चुनाव में जीत भी जाते। अब ये हम नहीं जानते कि आप दोबारा जीतेंगे कि नहीं, लेकिन आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक जो जिम्मेदारी है वो आपने नहीं उठाया। बाबा का कहल चाहता था कि दोबारा वोट वोट मिली इनके ना मिली? अब वो तो समाज के ऊपर में है, अच्छे काम करेंगे तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा हम बताओ थे, इनका अगर कागज बन जाए तो इनके अहले गहले में फ्री हो जाए, दवाई इनका फ्री हो जाए, और बाद सरकार इनके पैसों दे अलग से 500 रुपया महीना मिलेला? 500 का सोचिए ना, तो हमको कम से कम 1,500 रुपया लग जाता है महीना में। महीना में 1,500 लग जाए? हाँ। तो दवाई वाई फिर सरकारी अस्पताल में ना जाला बाबा दवाई लेवे? ना ना, सरकारी में कौन कार्ड वोड नहीं खेते कैसे जाए, ऐसे डॉक्टर से दिखा के वो दवा लिया के पड़ेगा। कोनो दवाई वाई ब्लॉक ओक से कहीं से ना? कहीं से ना, कहीं से ना। यहाँ एक सवाल ये भी है कि यहाँ जिम्मेदारी सिर्फ प्रधान की ही नहीं आती है, यहाँ आम लोगों की भी जिम्मेदारी थी। अगर बाबा इतने शिक्षित नहीं थे, बाबा इतने जागरूक नहीं थे, तो क्या कर रहे थे यहाँ के लोग जो इनकी सहायता करने नहीं आए? बहरहाल सीधे तौर पर हम आज हैं बिहार के छपरा में, यहाँ की समस्याएं दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि हमने यूपी बहुत दिखाया है, अब आपको बिहार दिखा रहे हैं कि बिहार में क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं और क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं। तो समस्याएं ये है कि ये जो भैया है जो जिनकी सबसे पहली सुनवाई होनी चाहिए, जिनको सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जिनको सबसे पहले स्कीमों की सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो आज सुविधाओं से वंचित है। जिम्मेदार कौन? सवाल हमारा नीतीश कुमार से है, सवाल हमारा प्रधान से, सवाल हमारा यहाँ के जो जो जिम्मेदार मसूखदार लोग हैं उनसे हमारा सवाल है कि आप कहाँ हैं और क्यों ऐसे लोगों की सहायता नहीं करते हैं। ऐसे ही हम और भी मुद्दों पर बात करते रहेंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते रहेंगे, और हम बात उस पर करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। धन्यवाद।
भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।